दिल्ली चलते हैं आपको, विधानसभा भवन और सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, चलते हैं सदन में। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का है, जिसका समर्थन श्री चंपाई सोरेन सोविसा द्वारा किया गया है। दूसरा प्रस्ताव आलमगीर आलम माननीय मंत्री का है, जिसका समर्थन श्री रामेश्वर उरांव माननीय मंत्री द्वारा किया गया है। तीसरा प्रस्ताव श्री बाबूलाल मरांडी सोविसा है, जिनका प्रस्ताव श्री समर्थन श्री सत्यानंद भोक्ता माननीय मंत्री द्वारा किया गया है। चौथा प्रस्ताव श्री सुदेश कुमार महतो सोविसा का है, जिसका समर्थन श्री कमलेश कुमार सिंह सोविसा द्वारा किया गया है। पांचवा प्रस्ताव श्री सरयू राय सोविसा का है, जिसका समर्थन श्री अमित कुमार यादव सोविसा द्वारा किया गया है। छठा प्रस्ताव श्री विनोद कुमार सिंह सोविसा का है, जिसका समर्थन श्री हाजी हुसैन अंसारी सोविसा द्वारा किया गया है। मैं पहले प्रस्ताव को लेता हूं। श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रविंद्रनाथ महतो सोविसा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। श्री चंपाई सोरेन सोविसा कृपया इसका समर्थन करें। मैं श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। प्रश्न यह है कि श्री रविंद्रनाथ महतो सोविसा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हां कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। श्री रविंद्रनाथ महतो सोविसा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। मैं नवनिर्वाचित मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह सोविसा अनुरोध करता हूं कि वे नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सम्मान के साथ अध्यक्ष के आसन तक ले आए। माननीय श्री हेमंत सोरेन सदन नेता, माननीय श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह और माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आप सदन के अध्यक्ष के रूप में जो पद ग्रहण किया है, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे सदन को आज इस आसन की गरिमा
अक्षुण रखने के लिए भी विपक्ष के साथियों को और सत्ता पक्ष के साथियों को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने वर्ष 1982 में एसपी कॉलेज से अपना ज्ञान में स्नातक किया, साथ ही उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से वर्ष 1985 में बीएड की डिग्री भी हासिल की है। वर्ष 1990 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से भी जुड़े, वर्ष 1995 में झारखंड स्वायत्तशासी परिषद के पार्षद भी मनोनीत हुए। अलग झारखंड के आंदोलन के दौरान जेल भी गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बार नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी चुने गए हैं, पहली बार ये वर्ष 2005 में एवं दूसरी बार 2014 में विधायक चुने गए। झारखंड विधानसभा में ये हमेशा राज्य के नीतिगत विषयों एवं जनता के ज्वलंत सवालों पर प्रमुखता से अपनी बात रखते रहे हैं। ये कुशल राजनेता एवं प्रखर वक्ता भी हैं। ग्रामीण परिवेश के सादगी को समेटे हुए इनका व्यक्तित्व सबको प्रभावित करता है। हमें पूरी उम्मीद है कि अध्यक्ष महोदय अपने कार्य कुशलता एवं विधायक अनुभव के आधार पर विधायकों के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए विधायी कार्यों को का सफलतापूर्वक संचालन करेंगे और इनके मार्गदर्शन में पंचम झारखंड विधानसभा नई बुलंदी की ओर पहुंचेगा। धन्यवाद। माननीय श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी, आज संसदीय इतिहास में बड़ा ही सुखद अनुभूति हो रही है कि पांचवें विधानसभा में स्पीकर के रूप में सर्वसम्मति से आपका चयन हुआ है और विधानसभा के सभी निर्वाचित माननीय सदस्यों ने करतल ध्वनि से आपका स्वागत किया है। संसदीय लोकतंत्र की यही खुशबू है कि जब स्पीकर के पद को बिल्कुल पार्टी से ऊपर उठकर न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की भावना से प्रेरित होकर और सदन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से यह संयोग ही है कि यदि कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो आपके साथ इस सदन के अंदर मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं इस विधानसभा का सदस्य रहा हूं और आज के दिन मैं बहुत खुश हूं कि आप स्पीकर के रूप में चुने गए हैं। निश्चित रूप से आप इस सदन को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करेंगे और पक्ष और विपक्ष की भावना से ऊपर उठकर सभी को एक भाव से देखते हुए और अपने विवेक से और झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के तहत सदन को चलाने का काम करेंगे। मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कहा गया है
कि आज आप विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी पार करते हैं। सिर्फ ईमानदारी से सदन को चलाने का हौसला रखिए, आपके जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आलमगीर आलम मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं और यहाँ तमाम जो सदस्य हैं उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सभी ने सम्मिलित रूप से आपको आज विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक संग्रामी पद है और पक्ष और विपक्ष दोनों ही बैठते हैं, अपनी अपनी बातों को, अपने अपनी क्षेत्र की बातों को रखने के काम सभी माननीय सदस्य करते हैं। विधानसभा का कार्य प्रणाली में जो महत्व है उस चीज को ज्यादा से हमें ध्यान देना पड़ेगा। हर एक सदस्य का अपना अपने समस्या है, उस समस्या को सुनकर उसका निष्पादन करना भी आपका एक दायित्व है और मैं जहां तक आपको हम जानते हैं, मुझे याद है 2005 में पहली बार आप चुनाव जीतकर आए थे, उसके बाद लगातार 15 सालों तक आपका उसी तरह संबंध हमसे जुड़ा हुआ रहा और विधानसभा का बाहर और भीतर जो आपकी कार्यशैली निश्चित तौर पर जो अनुभव आपका है, इस विधानसभा के पद भी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप चयन हुए हैं, सभी को यहाँ के जितने भी लोग हैं और आपके माध्यम से क्षेत्र और प्रदेश का लाभान्वित होगा, ये मुझे विश्वास है। कार्यप्रणाली का जो नियम के तहत ये जो पद है, मैं समझता हूँ कि समय समय पर ऐसा समय आता है जो इसका निराकरण करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन धैर्य के साथ, विवेक और बुद्धि के साथ अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर ये विधानसभा को और इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। अब मैं पुनः आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि ये जो दायित्व है, संघ दायित्व है, इस दायित्व को बखूबी आप पालन करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जो आपसे लगाव 15 साल और अनुभव हमने देखे और बातचीत के क्रम में जो आपका विधायक कार्य हो, चाहे जो भी कार्य हो, आपने बढ़िया से बखूबी से निभाए और आगे भी निभाएंगे। शुभकामनाएं, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, आप सर्वसम्मति से इस पद पर आसीन हुए हैं, मैं अपनी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप सफलतापूर्वक इन कामों को अंजाम देने में बेहतर साबित होंगे। कुछ लोग पद से जाने जाते हैं और कुछ पदों को लोगों से जाने जाते हैं। मुझे वह छोटी सी घटना याद आती है कि चुनाव आयोग का जो पद था, टीएन सेशन के पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन टीएन सेशन ने जब बखूबी अपने रोल को किया तो पूरे देश के लोगों ने कि चुनाव आयोग भी कोई चीज है यह जानने का प्रयास किया। उसी तरह मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि आप जिस पद पर बैठे हैं आपसे उस पद की गरिमा बढ़ेगी और जिस निष्पक्षता से आपके भाव भी निष्पक्ष रहे,
वर्षों तक आपसे काम करने का आपके साथ मौका मिला है, आप निष्पक्ष भाव के हैं, चीजों को समझते हैं गहराई से, उसी निष्पक्ष भाव से इस सदन को चलाने का प्रयास करेंगे और कोई ना कोई बड़ी लकीर, ताकि वह छोटी लकीर छोटी पड़ जाए, बड़ी लकीर दिखने लगे, एक नई लकीर खींच करके इस सदन की गरिमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और आप पूर्ण सफल हो, इन्हीं चंद बातों के साथ धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो जी। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपका चयन हुआ, मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि इस गरिमाई पद का नेतृत्व बेहतर रूप से इस राज्य के सभी प्रतिनिधियों के नेतृत्व का ख्याल करते हुए इस पद के महत्व को और गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे। चूंकि इस प्रदेश में कई ऐसे अवसर आए हैं पहले जब इस पद पर कई लोगों ने, कई अध्यक्षों ने बैठकर बेहतर नेतृत्व देने का काम किया है, मुझे उम्मीद है कि उससे भी ऊपर आप सदस्यों की भावना का और उनके द्वारा रखे गए जो भावना, वो पूरा प्रदेश की भावना का सम्मान करेंगे। प्रक्रिया के तहत हाँ पक्ष और ना पक्ष निश्चित रूप से इस हॉल का हिस्सा रहेगा, बावजूद चूंकि आपका अध्यक्ष जी का कुर्सी सबसे ऊपर और बीच में है, तो मुझे लगता है कि ये मापदंड इसीलिए बनाया गया है ताकि सभी लोगों को संतुलित रूप से, सहज रूप से आप इस लोकतंत्र के और विधायी की प्रक्रिया में समान अवसर और उनके इस विधायी की व्यवस्था में इस पूरे संस्था को महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाने में अपनी भूमिका निश्चित रूप से आप निभाएंगे, ये मेरी भावना है। और मैं अपनी ओर से आपका इस सदन में सर्वसम्मति से चुने जाने पर बधाई देता हूँ, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो अपनी ओर से सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। अभी कल ही हम लोगों ने, सारे सदस्यों ने संविधान के साथ जो है शपथ लिया है और इस सदन के जो संवैधानिक इकाई अध्यक्ष है, संविधान के अनुसार आप सब सम्मति से मनोनीत हुए हैं। और ऐसे समय में, ऐसे दौर में झारखंड के पांचवी विधानसभा का गठन हुआ है, तमाम संविधान का हम लोगों ने पाठ किया, जब देश भर में संविधान को लेकर के, संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर के सबसे ज़्यादा बहस उठे हों, सबसे ज़्यादा सवाल चल रहे हों, आज का दिन भी है, लगातार जो है चौक में, चौराहों में, देश के कोनों में छात्र और युवा संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ रहे हैं, ये महत्व बताता है कि कोई भी लड़ाई में, अधिकारों की लड़ाई में जो हमारा संविधान पारित हुआ है, उन संविधानों के प्रावधान के लिए कैसे वो लागू हों, कैसे वो बेहतर हों। और झारखंड विधानसभा जो है, उसके आप जो अध्यक्ष हैं, झारखंड विधानसभा में भी उन संविधान परंपराओं का, राज्य के लोगों का जो उम्मीद है वो पूरा हो। मौका मिला है मुझे तीसरी बार विधानसभा में निर्वाचित होने का, दो विधानसभा में हम लोगों ने दो दो बार धन्यवाद प्रस्ताव पास होने का अध्यक्ष के प्रति मौका मिला है, बातें भी हुई है, लेकिन लगातार हम लोगों ने देखा है जिस बात की सबसे उम्मीद रही है और मैं देखा, वो चौथा या पांचवा है अध्यक्ष का धन्यवाद प्रस्ताव में मैं बोल रहा हूँ, और पहली बार इतना शांत, इतना बेहतर वातावरण में लोगों के उम्मीदों से बात हो रही है। इसके पहले अलग अलग वजहों से, अलग अलग कारणों से काफ़ी कोलाहल में हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की उम्मीदें कितनी हैं जनादेश से, इस सरकार से। हम सिर्फ जो कहना चाहते हैं कि सरकार से, पिछले दिनों सरकार पे आरोप लगते रहे हैं, विपक्ष पे भी भूमिका पे सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस नाउम्मीदी के दौर में भी जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिनके ऊपर यह जिम्मा होता है इन तमाम झंझावतों में, बहस में,
उम्मीद उनसे होती है, और जब उन पे भी सवाल उठने लगते हैं, जब उनकी भूमिकाओं पे होने आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो संविधान की उस आत्मा की उस शपथ का हम कहीं ना कहीं से जो है वो सवाल उठते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि झारखंड पिछले सालों में जिन दिक्कतों को झेला है, जो सवाल उठते रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से सीख लेते हुए हम तमाम सदस्यों समेत यह जो पंचम विधानसभा है वो एक नई नज़ीर बनेगा। आप तमाम पक्ष विपक्ष अल्पमत को संविधान के अनुसार झारखंड के लोगों के उम्मीदों के अनुसार जो है दशा देंगे। एक बार फिर हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, यह पद की गरिमा और बेहतर ऊंची जाएगी। आप सभी आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे सदन की ओर से आपको जो है धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से चुने जाने पर मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं, और पूरे जनता का आशा ने उम्मीद है कि जो हमारे माननीय सदस्य नए पुराने चुन कर आए हैं, जो सवाल उठाएंगे, आपके द्वारा निष्पादन होगा और गांव में विकास पहुंचेगा, और आपके द्वारा सर्व माननीय सदस्यों लेकर चलना है। मैं ज़्यादा नहीं बोलते सर, मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। माननीय श्री कमलेश कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको हम हार्दिक शुभकामना देते हैं, और निर्विरोध चुने जाने पर आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपसे यही हम सभी को उम्मीद है कि चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, सभी के भावनाओं को आप देख कर चलें, और उनके जो भी प्रश्न हो उस पर आप अपनी सहमति देने का कष्ट करें, कि जो भी उचित हो उसको निर्णय दें, और पंचम विधानसभा का अध्यक्ष होने का हार्दिक शुभकामना और नए वर्ष का शुभकामना देता हूं, धन्यवाद। माननीय श्री सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने के लिए आपको अनेक अनेक बधाइयां। आसन का पद संविधान और परंपरा के अनुसार से परिभाषित है। अंग्रेजी में इस पद को हम स्पीकर कहते हैं, मगर स्पीकर वही होता है जो सबसे कम बोलता है। बोलने के लिए सभी सदस्य हैं जो अपनी बातों को रखते हैं, परंतु विगत कई सदनों में देखा गया है कि स्पीकर को ही ज़्यादा बोलना पड़ता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष को ऐसी स्थिति सदन में बनाने के लिए हाँ पक्ष ना पक्ष से सहमति लेकर उम्मीद करना चाहे कहेंगे हम लोग, एक ऐसा वातावरण बनेगा जब सदस्यों को बोलने का अधिक समय मिलेगा, अधिकार मिलेगा। सदन के भीतर सरकार होती है जो सदन के प्रति जिम्मेदार होती है। बाकी सभी माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, सभी सदन के सदस्य हैं, और सब अपनी मांगों को प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से सदन के सामने, माननीय अध्यक्ष के सामने रखते हैं। सरकार को उसका जवाब देना होता है। बेहतर स्थिति तभी होती है जब कोई भी माननीय सदस्य समस्या अपने क्षेत्र की हो, आम जनता से संबंधित हो या सरकार के क्रियाकलाप से संबंधित हो, जब वह प्रश्न रखते हैं, बात उठाते हैं और सरकार की किसी खामी को चिन्हित करते हैं, या सरकार में कहीं पर्याप्त सावधानी नहीं रहने के कारण से जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं और इस बात को उठाते हैं सदन में, तो सरकार की भी सदा सहायता होनी चाहिए कि वह उन प्रश्नों का, उन बातों का, उन मांगों का उचित रूप से समाधान करे। और असहमति का स्वर कहीं उठता है सदन में तो असहमति के स्वर का भी आदर करे। काम करते समय गलतियां होती हैं, सरकार भी काम करते समय कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि निर्णय गलत हो जाते हैं। सदन में कोई भी माननीय सदस्य चाहे हाँ पक्ष का हो ना पक्ष का हो, उस बात की ओर ध्यान दिलाता है तो सरकार को भी इतना बड़प्पन अपने हृदय में रखनी चाहिए कि उचित विषय आता है तो उचित समाधान होना चाहिए। कहीं कोई निर्णय समीचीन नहीं है तो उस निर्णय को वापस लेने में भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। पहले इस राज्य के पहले के सदनों में भी ऐसी कई स्वस्थ उदाहरण आए हैं जब सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों ने मिलकर सहमति व्यक्त किया है, और कई ऐसे विषय भी आए हैं
जब आम सहमति से सदन में निर्णय हुआ है, जो हमारे माननीय अध्यक्ष होते हैं वे जो निर्णय देते हैं एक तरह से वो नज़ीर बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी कई ऐसे माननीय अध्यक्ष और सभापति हुए हैं और जिन्होंने जो निर्णय दिया है वह निर्णय कार्य प्रक्रिया का हिस्सा हो गया है। इसलिए हम लोग उम्मीद करेंगे कि ऐसे निर्णय आसन की तरफ से आएंगे जो भविष्य के लिए उदाहरण बनेंगे। स्वस्थ परंपरा स्थापित करने में आसन का जो योगदान होगा वह योगदान सराहा जाए। आम जनता की नज़र हम सभी पर रहती है, इसलिए इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है अगर आवश्यकता पड़े तो जो विधानसभा की नियमावली है कार्य संचालन की, उसको ही और सुदृढ़ बनाने और सक्षम बनाने के लिए हम प्रयास करें ताकि सदन का कार्य अधिक सुचारू रूप से चले और जो माननीय सदस्य हैं सदन के वे जन भावनाओं को, अपने क्षेत्र की या राज्य की जो भी भावना है उस भावना को अच्छी तरह से यहाँ रख सकें और सरकार की तरफ से उसका उचित परिधान मिले। आपकी भूमिका के लिए जितनी सराहना कही गई है वह सराहना कम है, जितना सराहा जाए अध्यक्ष के आसन के योगदान को परंपरा के दृष्टिकोण से वह कम होता है। मुझे उम्मीद है कि आसन अवश्य ही इसको ध्यान में रखेगा और सरकार जो सदन के प्रति जिम्मेदार होती है वास्तव में उस सरकार को जिम्मेदार बनाने का काम आसन से होगा। इस ओर आपकी मदद करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप पहले भी चलाएं इस सदन को और आगे भी चलाने का पुरजोर कोशिश करेंगे, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बाबूलाल मरांडी जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि संविधान की परंपरा में अध्यक्ष विधानसभा के कस्टोडियन होते हैं और जैसे सबों ने कहा और हमें भी पूरी उम्मीद है कि आप सदन को निष्पक्ष रूप से चलाएंगे, क्योंकि चाहे आप पक्ष हो विपक्ष हो, क्योंकि जन समस्याओं को लेकर के सभी आते हैं, आप उसको निश्चित रूप से ध्यान देंगे और सबका आप संरक्षण करेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता की नज़र आपकी ओर होगी और आज इस प्रकार से सर्वसम्मत से आप आज चुने गए हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको भी सदस्यों का पूरी पूरी सहयोग मिलेगा, लेकिन विशेष जिम्मेवारी आपके ऊपर है, इसलिए आज मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। माननीय श्री स्टीफन मरांडी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने के अवसर पर, और मैं सदन के पूरे सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज तक के इस विधानसभा के इतिहास में एक जो स्वस्थ परंपरा रही है कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाना, और इसको हम लोगों ने आज पंचम विधानसभा में भी इसको मेंटेन करके रखा है, एक बहुत ही अच्छा संदेश पूरे राज्य की जनता को जाएगी कि ये शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा है। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कितने ठंडे दिल के व्यक्ति हैं, आप अपने जनता की समस्याओं से बराबर जुड़े रहे हैं। आज इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की भी भावनाओं को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अपने लंबे अरसे के इस अनुभव का, संसदीय जीवन का, और इस तरह से यहाँ कोई भी कठिन से कठिन समस्या जब सदन में
आती है उसका भी अपने विवेक बुद्धि से उसका निष्पादन करेंगे, निर्णय लेंगे और सभी जो एक आसन किसी दल का नहीं होता कि बल्कि पार्टी से ऊंच ऊपर होता है और सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को रख करके जो आज प्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र से चुने जाते हैं वो समस्या रखने के लिए इस सर्वोच्च पंचायत में आप उनको उचित समय देंगे, सभी को सभी के साथ आप न्याय करेंगे और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये सदन बहुत ही अच्छे ढंग से आपके नेतृत्व में चल सकेगा। मैं आपको पुनः बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण, माननीय सदन नेता सहित सभी दल के माननीय नेतागण, सर्वसम्मति से आज विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा नाम निर्वाचन किया है इसके लिए मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे निर्वाचन के लिए कुल 6 प्रस्ताव आए थे, इसमें कई माननीय मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित थे और कई का समर्थन माननीय सदस्यों के द्वारा किया गया था। संसदीय व्यवस्था के जो सुनिश्चित नियम और परंपराएं हैं जिसके अधीन मात्र एक प्रस्ताव को सभा के निर्णय के लिए लिया जाता है और सम्यक निर्णय के उपरांत अन्य प्रस्तावों को छोड़ दिया जाता है। इसी दृष्टि से यद्यपि स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखे गए और श्री चंपाई सोरेन जी माननीय सदस्यों द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वाचन हो गया, फिर भी मैं केवल उनका ही नहीं वरन समस्त सदन का कृतज्ञ हूँ। अध्यक्ष पद के आसन को ग्रहण करने के पूर्व तक मैं तकनीकी रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंध था, लेकिन इस आसन पर आते ही मेरी वो राजनीतिक संबद्धता तकनीकी रूप से समाप्त हो गई है। अध्यक्ष के पद को संसदीय पद्धति में सरकार और प्रतिपक्ष का पद नहीं समझा जाता, वरन इस पद को आरंभ से ही निष्पक्षता का पर्यायवाची मानने की परंपरा रही है। मैं संसदीय व्यवस्था के इस उच्च प्रतिमान के पालन का वचन सभा के तमाम माननीय सदस्यों को देता हूँ। सदन से बाहर की दुनिया में भले ही मेरी पहचान झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सदस्य के रूप में बनी रहेगी, लेकिन सदन के भीतर मेरे लिए न्याय का जो तराजू पर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का पलड़ा बराबर रहेगा। राजनीति में मैंने अपने कद को हमेशा से छोटा समझा है। इस सभा में मैं अपने तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होकर आया हूँ। मेरे सामने कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो पहली बार इस सम्मानित सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ सदस्यों की संख्या कम नहीं है जिनका राजनीतिक कार्यकाल विधायक और सांसद के रूप में मेरी तुलना में बहुत ज्यादा है, काफी लंबा है। अपने पद से जुड़े हुए दायित्वों का निर्वहन में मैं ऐसे तमाम वरीय माननीय सदस्यों के मार्गदर्शन की हमेशा अपेक्षा करता रहूंगा। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि सदन में दो ऐसे माननीय सदस्य मौजूद हैं जिन्होंने अध्यक्ष के आसन को संपूर्ण निष्ठा से संभालने का काम किया है। संयोग से आज इनमें से एक श्री आलमगीर आलम साहब सत्ता पक्ष में है और श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी जो प्रतिपक्ष में है। अध्यक्ष के रूप में इन दोनों का कार्यकाल शानदार रहा है। विपरीत परिस्थिति में इनके द्वारा लिए गए निर्णय मेरे लिए नजीर के समान होगा। मैं माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी जो राजनीति में मेरा अग्रज के समान है और इन्होंने दो महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में इस सभा में अपनी भूमिका निभाई है, इनके मार्गदर्शन की भी मैं अपेक्षा करता हूं। मुझे खुशी है कि आज का झारखंड श्री हेमंत सोरेन के युवा नेतृत्व के हाथों में है। राज्य के जनता का अटूट विश्वास और भरोसा इन पर है। इनके नेतृत्व में इस राज्य की चतुर्दिक विकास होगी, इसकी मैं कामना करता हूं। मैं इस आसन से इस उम्मीद को पूर्ण करने का
तहे दिल कामना करता हूं श्री बाबूलाल मारंडी जी जो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, इस 5वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित होकर आज वे हमारे बीच हैं। न्याय और विवेक युक्त आचरण इनकी विशेषता रही है। मैं समय समय पर इनके मार्गदर्शन का भी अपेक्षा करूंगा। आज का अवसर हम लोगों के बीच माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण का है और इनकी आगवानी से लेकर के उनके प्रस्थान तक का व्यस्त कार्यक्रम है। व्यस्तता की ऐसी स्थिति में आज मैं आपसे कुछ विशेष परिचर्चा कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। आने वाला अवसरों में हम लोगों के बीच व्यापक विचार विनिमय होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं सभा के तमाम सदस्यों के प्रति एक बार फिर अपना आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने मुझे ऐसे महान दायित्वों के निर्वहन के योग्य समझा है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप सभी के उम्मीदों पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा। अंत में मैं अपने राजनीतिक मुख्य मार्गदर्शक और झारखंड के सर्वमान्य नेता परम आदरणीय दिशम गुरु वीर शिवसरण जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन से मुझे यहां तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल महोदय से निम्नांकित आशय का संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। यद्यपि संदेश को पूर्व में ही आपको प्रेषित किया जा चुका है, तथापि मैं इसको आपके पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड विधानसभा को दिनांक 7 जनवरी 2020 को 12 बजे मध्यान्ह में संबोधित करना चाहती हूँ और इसी हेतु झारखंड विधानसभा बेस्ट लेलिन हॉल HEC रांची में सदस्यों की उपस्थिति चाहती हूँ। हस्ताक्षर द्रौपदी मुर्मू। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन में उपस्थित हों तो आप सभी अपनी सीट पर विराजमान रहकर अभिभाषण को शालीनता से सुनेंगे तथा पूरे अभिभाषण के दौरान सदन की व्यवस्था बनाए रखेंगे। कोई सदस्य इस दौरान न तो सभा से बाहर जाएंगे और न ही अंदर प्रवेश करेंगे। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की आगवानी के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में उनकी आगवानी से आगमन तथा अभिभाषण के बाद उनकी विदाई के लिए मेरे सदन से बाहर रहने की अवधि में भी आप सदन में अपने स्थान पर बैठे रहकर व्यवस्था को बनाए रखने की पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। तो विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन आज और रविंद्रनाथ महतो स्पीकर बनाए गए हैं निर्विरोध। उन्हें आसन पर बिठाया गया। नवनिर्वाचित सदस्यों ने आभार प्रकट किया, शुभकामनाएं दी और अब राज्यपाल के आने का वक्त, राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो 5वां विधानसभा और इस बार स्पीकर रविंद्रनाथ महतो। ये झारखंड विधानसभा सदन की तस्वीर आपके स्क्रीन पर। आज दूसरा दिन है ये सत्र का, 3 दिवसीय ये सत्र है। बताएं आपको, नई सरकार बनी है और उसके बाद ये पहला सत्र 3 दिनों का और आज इस सत्र का दूसरा दिन। और दूसरे दिन आज सबसे पहले स्पीकर के नाम का ऐलान हुआ। रविंद्रनाथ महतो स्पीकर बनाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष अब रविंद्रनाथ महतो, शुभकामनाएं दी नवनिर्वाचित विधायकों ने उन्हें। उन्होंने भी आभार प्रकट किया और सदस्यों से ये अपील की कि सदन सुचारू रूप से चलाने में सभी का सहयोग अपेक्षित है।